Hi everyone, we'll understand some operation and matrices. Like in algebra, हमारे पास matrix theory के अंदर भी चार important operations होते हैं. एक addition होता है, दूसरा subtraction होता है, फिर multiplication है, और चौथा division जैसा ही कुछ, लेकिन उसे हम inverse कहते हैं. So let us start with the first one, which is addition of two matrices. Suppose आपके पास एक matrix है, से 1, 2, 3, 4 सामने एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 5, 0, 7 and 8. अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे. कैसे किया जाता है दो मैट्रिक्स को ऐड? तो इट्स वेरी नेचुरल, वेरी इंट्यूटिव कि हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दें, यानी कि मैचिंग पोजीशन पर नंबर्स को जोड़ दें. तो 1 ऐड होगा 5 से, 3 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 7 है, वो ऐड होगा 7 से, 2 with 0 and 4 with 8. तो आपने देखा कि कितना आसान है किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना, जिसमें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाती है और एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स तैयार हो जाता है. गौर करने वाली बात यह है कि जो ऑर्डर गिवन मैट्राइसिस का है, एग्जैक्ट ऑर्डर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी है. मतलब गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर एडिशन मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होता है. अब अगला सवाल इसके अंदर ये बनता है कि क्या हम दुनिया में किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं? लेट अस चेक. से आप उसी गिवन मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स से ऐड कर दे. फॉर एग्जांपल, हमारे पास मैट्रिक्स है 7, 0, 9, 1, 2, 3, 5, 4 से 8. तो ऑब्वियसली वैसे ही ऐड करेंगे जैसे पहले ऐड किए थे. 1 ऐड होगा 7 से, 3 ऐड होगा करस्पॉन्डिंग 1 से, लेकिन यहाँ पर 5 के एडिशन के लिए कोई वैल्यू नहीं. 0 भी तभी लिया जाता है जब 0 की वैल्यू मेंशन होती है. तो इट्स वेरी क्लियर कि यहाँ हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पा रहे हैं. तो समझ में आया कि किसी भी दो मैट्रिक्स को तो आपस में ऐड नहीं कर सकते. गौर करने पर पता चलता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 3. तो मैट्रिक्स ऐड तभी होंगे जब दोनों मैट्राइसिस का ऑर्डर सेम होगा. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ हमें समझ में आया कि इफ टू मैट्राइसिस हैव द सेम ऑर्डर, दैट इज इफ द ऑर्डर्स ऑफ मैट्राइसिस आर सेम, देन दे कैन बी एडेड टुगेदर. ऐड करने के लिए ऑर्डर्स का सेम होना ज़रूरी है. और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से जोड़ते हो, फर्स्ट को सेकेंड से, से ए विद बी, और बी को ए से जोड़ते हो, तो एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा. इसका मतलब ये कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव. फर्स्ट को सेकेंड से ऐड कीजिए या सेकेंड को फर्स्ट से ऐड कीजिए, आंसर्स वैल्यू वही आएगी. नाउ आपका सेकेंड ऑपरेशन मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन है, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैट्रिक्स एडिशन है, तो इसको अलग से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं. नेक्स्ट ऑपरेशन आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से पहले कुछ जनरल पोजीशनिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए. से वी हैव अ 2 by 2 मैट्रिक्स, इसमें 4 अलग अलग एंट्रीज होती है. इस पोजीशन को 1, 1 कहा जाएगा. इन जनरल यहाँ पर जो भी एंट्री होती है उसे A11 कहा जाता है. पोजीशन वाइज A11 कहलाया जाएगा. मतलब ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पर आ रहा है, इसलिए इस एंट्री को इन जनरल A11 कहेंगे. अब यहाँ जो भी एंट्री होगी वो फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम पे होने की वजह से A12 कहलाएगी. अब ये एंट्री सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम पे है, इसलिए A21 कहा जाएगा. तो ये वाली एंट्री A22 होगी. तो ये पोजीशनिंग अगर हमें पता है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आसान. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज आपके पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. अब कैसे मल्टीप्लाई किया जाए? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इस पोजीशन पर रखा जाएगा, 1, 1 वाली पोजीशन पर, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है. और उसमें भी 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से और 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से,
फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट से और सेकेंड मल्टीप्लाई होगी सेकेंड से और दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। अब जैसे आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही हम फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन विच वन मल्टीप्लाई होगा सेवन से और थ्री मल्टीप्लाई होगा एट से और उन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। दिस पोजीशन विल बी कॉल्ड वन टू, क्योंकि हम फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जिस तरीके से आपने फर्स्ट रो को एक एक करके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही सेकेंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो वो टू वन पोजीशन पर होगा, यानी टू मल्टीप्लाई होगा फाइव से और फोर मल्टीप्लाई होगा सिक्स से, विल ऐड देम अप। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर टू टू, वो कैसे होगा, वो सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा इसी सेकेंड कॉलम से, जिसमें टू मल्टीप्लाई होगा सेवन से और फोर मल्टीप्लाई होगा एट से और उसको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी आगे के कैलकुलेशंस काफ़ी आसान हैं, जैसे आप नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लीकेशन करके ला सकते हैं। दिस इज़ 5 + 18, 7 + 24, 10 + 24 एंड दिस वन इज़ योर 14 + 32 विच टर्न्स आउट टू बी 23, दिस वन इज़ योर 31, 34 and 46। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ जो गिवन मैट्रिक्स है, से इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम और उसको इस पोजीशन पर रखा जाएगा। वन मल्टीप्लाई होगा फाइव से और थ्री मल्टीप्लाई होगा सिक्स से, बीच में प्लस की साइन आ जाएगी। अब जैसे आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, वही फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम से, पोजीशन वाइज हो जाएगा वन टू, जिसमें वन मल्टीप्लाई होगा वन से और थ्री मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो से, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगा, पोजीशन वाइज इट विल बी वन थ्री, इन विच वन मल्टीप्लाई होगा थ्री से और थ्री मल्टीप्लाई होगा नाइन से। अब आगे क्या होगा, तो जिस तरीके से आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया, अब हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि नया बिड़ू नया राज। तो सेकेंड रो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, उसमें टू मल्टीप्लाई होगा फाइव से, फोर विद सिक्स। नाउ सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम, दैट इज योर सेकेंड रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम, इन विच विल मल्टीप्लाई टू बाय वन और फोर ज़ीरो से। लास्ट वन इज योर टू थ्री, सेकेंड रो विद द थर्ड कॉलम, जो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा कि टू विद थ्री एंड फोर विद नाइन, और जो भी इनका फाइनल वैल्यू होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुल छः पोजीशंस होगी। ठीक, तो क्या इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, उसके लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ पहली पोजीशन अगर चेक करें, वन 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 में हम जानते हैं कि पहला रो मल्टीप्लाई होता है पहले कॉलम से, तो वन मल्टीप्लाई होगा टू से और थ्री मल्टीप्लाई होगा फाइव से, और सिक्स के लिए हमारे पास कोई करस्पॉन्डिंग एंट्रीज नहीं। ज़ीरो भी तभी लिया जाता है जब ज़ीरो वैल्यू मेंशन हो, तो क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं, इसलिए हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप गौर से देखें कि तीन में से दो मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई हो पा रहे थे, लेकिन तीसरा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। एक चीज़ और समझ में आई जो एडिशन से मिलती जुलती थी, जिसमें हमने सीखा था एडिशन के अंदर कि मैट्रिक्स एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। यहाँ हम उस दायरे से बाहर निकल गए जिसमें पता चला कि यहाँ ऑर्डर नहीं सेम होने के बावजूद भी हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पा रहे थे, लेकिन उसमें कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे थे। तो इसको कुछ कंक्लूड करते हैं। यहाँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑर्डर तो 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो यहाँ क्योंकि ऑर्डर्स सेम थे इसलिए मल्टीप्लाई हो पा रहे थे,
और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का यानी कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही है जो गिवन मैट्रिसेस का था। यहाँ अगर आप गौर से देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 रो और 3 कॉलम होने की वजह से 2x3 है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, दे वेर मल्टीप्लीकेबल। और यहाँ अगर देखा जाए तो ऑर्डर 2x2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x2 एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्राइसिस। गौर से देखने पर पता चलता है कि जब प्रोडक्ट में प्रोडक्ट निकालना होगा तो ये जो बीच की एंट्रीज हैं उनका सेम होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दो नंबर्स मैच नहीं हो रहे आपस में, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई एन है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाई p है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये दो पोजीशन पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो सेम है। अब सवाल ये बनता है कि जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो डिपेंड करता है इन दो नंबर्स पे जो यहाँ पर आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स मिला है उसका ऑर्डर 2x3 है जो करस्पॉन्ड करता है इन दो नंबर्स, और क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं था तो उसके लिए हम सोच ही नहीं सकते। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि अगर इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सी मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर फर्स्ट और लास्ट से मिलेगा यानी m बाई p होगा।